क्या मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करना आपके लिए घातक हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। कोरोना के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते पढ़ाई को जारी रखने के लिए संस्थान मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन यह तकनीक कब घातक हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक वाक्य सागर से सामने आया है, जहां ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे 12वीं के छात्र की मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कोरोना काल के दौरान सरकार और प्रशासन पढ़ाई को जारी रखने के चलते डिजिटल तकनीक का सहारा ले रही है, लेकिन यह तकनीक घातक भी सिद्ध हो सकती है। ऐसा ही मामला केसली के घाना गांव के सामने आया है, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बैटरी फटने से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र पुष्पेंद्र प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुष्पेंद्र प्रजापति आर्ट संकाय का छात्र है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त अचानक मोबाइल में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे छात्र के चेहरे और आंख पर गंभीर चोट आई है। छात्र के परिजनों ने घायल छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। छात्र हादसे के चलते आंख नहीं खोल पा रहा है, हालांकि चिकित्सकों ने 3 दिन में छात्र के स्वस्थ होने की बात भी कही है। हमारा बालक का नाम पुष्पेंद्र है, 12वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी उम्र 18 साल है और बैटरी फट गई मोबाइल की। वो पढ़ नहीं बैठा, जियो का मोबाइल था। वो केसली अस्पताल में है, अभी 108 से आए हैं, केसली स्कूल एक्सीलेंस में पढ़ता है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।